दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप कार को चलाना सीख सकते हो बहुत ही इजी, मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में आपको मैं कार चलाना यहाँ पर बताऊँगा कैसे आप सीख सकते हो। तो ये है कार और ये है चाबी इसकी और मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप भी आज सीखना चाहते हो कार चलाना तो बहुत इजी वे में बताऊंगा तो आप आराम से इजीली यहाँ पर इसको समझ पाओगे। तो इस वीडियो में ऐसे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों चलिए मैं जल्दी से आप लोग को बताना स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आप कार को चलाना सीख सकते हो। कोई पहली बात तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि यार मतलब लड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे कुछ भी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत इजी होता है यार और सबने पहली बार सीखा ही होता है। मैंने भी यहाँ पर चलाना सीखा था तो डर लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और मतलब ये नहीं फील करना है कि लड़ जाएंगे। चलिए मैं जल्दी से आप लोग बताता हूँ कार के अंदर होता क्या क्या, क्योंकि कोई नई बंदा चलाता है उसको नहीं पता होता। तो दोस्तों मैं चलिए आप लोग को बताता हूँ कि पहले तो आप देख लीजिए ये है की आप इससे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, और अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे स्टार्ट करेंगे आप, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ और मैं खाली चीज़ों से बता रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं मेन चीज़ ये दिखाता हूँ कि नीचे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये एक्सीलेटर है आपका, और ये आपको ब्रेक देखने को मिल जाता है, और ये आपको जो मिलता है वो आपको क्लच मिल जाता है। कुछ नहीं करना होता, जैसे आप बाइक चलाते हो बस वही चीज़ें आपको ऐसे यहाँ पर मिल जाती है, तीनों एक साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और बहुत ही बराबर मात्रा में इनका यूज़ करना पड़ता है। अगर कुछ भी ज़्यादा इधर उधर करोगे तो फिर कार रुक जाएगी या तो फिर आपकी कार आगे बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी तो लड़ भी सकती है, तो काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो ये एक्सीलेटर है, ये आपका यहाँ मैंने बता दिया, ये आपका वो है ब्रेक है, और ये आपका क्लच है। अब मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें आपको जो मेन है वो है ध्यान में रखना, ये है आपका गियर। अब इसमें एक है यहाँ पर चार गियर मिल जाते हैं आपको, ये मारुति 800 है, और ये काफ़ी इजी होती है, अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हो तो काफ़ी आसानी से आप इसको चलाना सीख सकते हो। तो ये आपको इसमें कुछ गियर देखने को मिल जाते। दोस्तों एक मेन चीज़ ये भी है कि आपका ये जो गियर है इसमें तीन और चार के बीच न्यूट्रल होता है, तो ये जो मेन चीज़ है कि ये जब भी आप गाड़ी कहीं चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो न्यूट्रल आपका बेसिकली होता है क्या, बस आपको ये आप ऐसे कोई भी गियर बदल लो तो ये आपका बीच में ही होना चाहिए, मतलब तीन और चार के, तो आपका न्यूट्रल यहाँ पर होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे यार आपको चलानी है गाड़ी को। दोस्तों एक बात को यार और ध्यान में रखना, जब भी आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है या मतलब आपने रात में खड़ी कर दी गाड़ी को और आपने से आपने तो न्यूट्रल यहाँ पर इसको लगा दिया, लेकिन अगर रात में कोई बच्चा आके छेड़ देता है कि उसने पहला गियर लगा दिया दूसरा लगा दिया तो आप काफ़ी दिक्कत में आ सकते हो। तो इसलिए आपको पहले अपना जो क्लच है उसको आपको दबाए रहना होगा, जैसा आप देख सकते हैं मैंने ये क्लच है इसको मैंने दबा दिया है, और इसको दबाने के बाद ही आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको क्लच यार पहले दबा देना है फिर ही गाड़ी को स्टार्ट करना है। और अभी ये देख सकते हो आप न्यूट्रल पे है गाड़ी, अभी कुछ भी यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो दोस्तों चलिए पहला गियर लगा के गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये रहा आपका गियर, मैं पहला गियर यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसा कि पहला गियर यहाँ पर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर जो एक्सीलरेट करते रहना और क्लच को धीरे धीरे यहाँ पर छोड़ते रहना है, काफ़ी बराबर मात्रा में यहाँ पर आपको छोड़ते रहना है। तो आप देख सकते हो आप गाड़ी बहुत ईजिली चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपको दूसरा गियर कैसे लगाना है ये बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए दोस्तों मैं गाड़ी को फिर से स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ गियर आपको चेंज कैसे करना है। पहला गियर मैंने बता दिया था, तो आपको पहले क्लच यहाँ पर दबाए रहना और पहला गियर आपको लगा देना, जैसा कि देख सकते हो पहला गियर लग गया, आपको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और एक्सीलेटर यहाँ पर दबाते रहना है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी बहुत ही इजिली चल रही है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर चलिए मैं बताता हूँ सेकंड गियर आपको कैसे लगाना है। तो बस आपको चलाते चलाते बैक कर देना है और गाड़ी आपकी चलती रहेगी। सो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर गाड़ी तो चला रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी, लेकिन आपको उतनी अच्छी तरीके समझ नहीं पा रहे होंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप पूरी तरीके से सही से चलाना सीख सको। तो मैं किसी दूसरे बंदे को हैंडओवर कर रहा हूँ कार को, और मैं आप शूट करूंगा और आपको काफी इजिली पता लग पाएगा कि कैसे चलाना, क्योंकि मैं चलाते चलाते खुद को शूट करूंगा तो यहाँ पर एक्सीडेंट का भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने को सेफ रखते ही यहाँ पर कार को सीखना चाहिए। तो मैं चलिए दूसरे बंदे को कार को हैंडओवर करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप गाड़ी चला सकते हो इजिली। तो दोस्तों आप देखिए यार फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना तो अब तक सीख ही गए होगे यार, काफी बड़ी वीडियो अब तक हो गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर करना है। तो अब आप देख सकते हो मैंने क्लच को यहाँ दबाया और पहला गियर लगा के गाड़ी को बढ़ाया आगे, और आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना और एक्सीलेटर को दबाना जैसा कि आप देख सकते हो, और बाकी आपको हैंडल को कैसे करना है आप
वो देख के जान जाओगे। दूसरा गियर आपको बैक करना है और ऐसे आपका दूसरा गियर लग जाएगा। जब आप अपने कार पे खुद बैठोगे यार तो काफी इजीली समझ पाओगे। अभी तो आप इस वीडियो पे देख रहे हो और देख सकते हो आप कैसे यहाँ पर बदल रहे हो। और आपको मैं नीचे से भी दिखा देता हूँ कैसे क्लच को, आपको ऐसा नहीं कि अचानक से आपको क्लच को छोड़ना है, क्लच को बहुत ही आराम आराम से आपको छोड़ते रहना है और एक्सीलेटर को भी यहाँ पर दबाए रहना है। तो आप देख सकते हो ऐसे आपको चला सकते हो, गियर यहाँ पर चेंज हो रहा है। और आप तो मेन चीज मैंने लगता है कि मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है यार। और आप कैसे बस आपको जब भी गियर लगाना हो तो मेन चीज ये कि आपको क्लच को यहाँ पर आपको दबा के ही लगाना। तो देख सकते हो गाड़ी हमारी चल रही है आगे और ये आपका सेकंड गियर आपका यहाँ पर लगा था और मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही आसान है और हैंडलिंग आप आराम से कर सकते हो। आपको बस जो रोड पे देखना कितना गैप है उतना ही उतना आपको यहाँ पर इसको घुमाना है। तो बहुत ही इजी है यार, मुझे लगता है कि अब तक आप गाड़ी चलाना सीख गए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ गाड़ी को अगर आपको यार साइड पे करके रोकना हो या ब्रेक मारना हो तो कैसे आप यहाँ पर इसको कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कैसे आपको अगर रोकना है तो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर गाड़ी को रोकना है। तो आप देख सकते हो आपको कुछ नहीं करना है, क्लच को यहाँ पर दबा देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो ब्रेक है उसको धीरे धीरे यहाँ पर प्रेस कर देना है। और बहुत ही मतलब झटके से प्रेस करोगे गाड़ी तो बहुत तेजी से आपकी गाड़ी रुक जाएगी, झटका देगी। तो बहुत ही आराम से आपको क्लच को यहाँ पर दबाना है और ब्रेक को भी दबा देना है। तो कुछ इस प्रकार आप गाड़ी को चलाना सीख सकते हो। तो दोस्तों ये था मैंने आपको बताया कि कैसे आप कार को चलाना सीख सकते हो। बहुत इजी है यार, अगर आप देखते हो तो आपको ज्यादा 10 मिनट लगेगा कार को सीखने। मैंने तो वीडियो लंबी करके बताया कि कैसे आप चला सकते हो लेकिन ज्यादा 10 मिनट लगेगा और बहुत ही इजीली आप कार चलाना सीख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने सबसे आसान वे में आपको समझाया है, अब आप एक बार ट्राई करना। और ऐसा नहीं कि आप सीधे पांचवा गियर लगा के क्लच व्लच दबाने लगो, बहुत ही इजी तरीके से वीडियो को देख के आप अगर चाहो तो कार चलाना सीख सकते हो, आप आराम से सीख जाओगे। तो दोस्तों ये भी थी मेरी वीडियो आज की जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कार आप कैसे सीख सकते हो। मारुति 800 मैंने लिया क्योंकि यही एक बेस्ट कार है, एक अच्छी चॉइस है अगर आप चाहते हो कार सीखना। अदरवाइज अगर आप एक बहुत बैड बड़ी या फॉर्चूनर टाइप की गाड़ी लेते हो तो अगर आप लड़ते हो तो गाड़ी को तो नुकसान, आपको काफ़ी ज़्यादा भारी खर्चा होगा और आपको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेकर आता है फिलहाल लेते हैं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं यार ये कार हमको कहाँ से प्रोवाइड हुई है, तो मेरे पास अगर कोई और भी कार थी मैं लेकिन सीखने के लिए ये कार ज़्यादा बेस्ट रहती है। ये कार मेरे दोस्त ने प्रोवाइड की थी और उसका चैनल भी काफ़ी अच्छा है, चेकआउट आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मैं याद होगा बता दूँ कि तो इन्होंने ही यहाँ पर कार प्रोवाइड की थी मारुति 800, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी यार और 800 ही यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी कार हो सकती है अगर किसी को कार चलाना सीखना हो। तो थैंक यू यार, काफ़ी अच्छा लगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार चैनल आप चेक जरूर कर लीजिएगा।